नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस न्यूज बुलेटिन में। सफाई से हमें तस्वीरें मिल रही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं वहां पर अखिलेश यादव के पास मुलायम आवास सफाई में, और अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं अखिलेश को और मुलायम परिवार को। आप देख सकते हैं ये लाइव तस्वीरें हैं सफाई से, और उनके बगल में बैठे हुए हैं प्रोफेसर रामगोपाल यादव और धर्मेंद्र यादव को भी आप देख सकते हैं। अखिलेश यादव से कुछ बातचीत कर रहे हैं नीतीश कुमार, और सैफई पहुंचकर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं न सिर्फ अखिलेश से बल्कि यादव परिवार से। बिल्कुल, तो ये सीधी तस्वीर इस वक्त सैफई से आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, अखिलेश यादव भी साथ में मौजूद हैं, रामगोपाल यादव। और कल और उससे पिछला दिन जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का हुजूम नजर आया, मुलायम सिंह धरती पुत्र अब हमारे बीच नहीं है, और उनके जाने के बाद किस तरीके से देश प्रदेश में सैफई में मैनपुरी में शोक की लहर है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बहरहाल ये जो सीधी तस्वीर है ये सैफई से है, जहां पर आप देख सकते हैं परिवार के लोग हैं, अखिलेश यादव हैं, रामगोपाल यादव हैं, और उनके बीच बैठे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कि कुछ बातचीत कर रहे हैं। अखिलेश भी उनके साथ हैं, जेडीयू के नेता हैं, महासचिव हैं, वो भी ठीक उनके दाहिनी ओर बैठे हुए हैं, और उनका भी कार्यक्रम था सैफई आने का। इसके अलावा आप देख सकते हैं पीछे जो परिवार के लोग हैं, कोर जो मेंबर्स हैं परिवार के, इसके अलावा और लोग, पार्टी के कार्यकर्ता भी बैठे हुए हैं, और ये आप सामने भी देखिए कुछ लोग बैठे हुए हैं, और ये भी परिवार के ही लोग हैं। शुद्धिकरण का कार्यक्रम हुआ आज सुबह, और सब ने मुंडन करवाया, उसमें अपने बाल उतारने की और दूसरी जो परंपराएं हैं उसका निर्वहन किया गया। और इस वक्त सैफई में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, और उनके दाहिनी ओर केसी त्यागी। हम चलेंगे सीधा सैफई, वीरेश पांडे वहीं पर मौजूद है, हमारे ब्यूरो चीफ, वो हमें बताएंगे कि वहां पर क्या हो रहा है। वीरेश, देखिए नीतीश कुमार केसी त्यागी के साथ पहुंचे हैं, केसी त्यागी उनके राष्ट्रीय महासचिव हैं। नीतीश कुमार पहुंचे हैं उनका वहां जब उतरे सैफई आवास पर, अखिलेश यादव और साथ ही साथ रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव ने उनका स्वागत किया, और उसके बाद से मुख्यमंत्री बिहार सीधे पटना से चार्टर्ड प्लेन से सैफई एयरपोर्ट पर उतरे। एयरपोर्ट से उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने उनके महासचिव केसी त्यागी और जेडीयू के जो उत्तर प्रदेश इकाई के नेता है वो वहां गए थे। उनको लेकर लगभग 15 मिनट लगता है सैफई एयरपोर्ट से मुलायम सिंह के पैतृक आवास पर आने पर, 15 मिनट के अंदर पहुंचे जब नीतीश कुमार। उसके बाद उन्होंने श्रद्धांजलि दी, अखिलेश यादव को ढांढस बताया, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पूरे परिजनों से वो बात कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। जहां गेस्ट हाउस में मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर रखा था, उसी जगह पर मुलायम सिंह की एक बड़ी प्रतिमा रखी गई है, और सभी लोग वहां श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। नीतीश कुमार से कुछ देर पहले जेल में बहुत दिनों तक बंद और तथाकथित रूप से बाहुबली नेता ब्रिजेश सिंह भी पहुंचे हैं अपने लाल लश्कर के साथ श्रद्धांजलि देने, और पंजाब के एक मंत्री हैं वो भी पहुंचे हैं। तो ये सुबह से ही श्रद्धांजलि का सिलसिला यहाँ पर चल रहा है। अभी अगर हम प्रमुख व्यक्ति की बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं, वहां परिजनों के साथ बैठकर वो बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि जो गेस्ट हाउस है जहाँ पर पार्थिव शरीर मुलायम सिंह यादव का रखा था, ठीक उसी जगह पर एक बड़ी प्रतिमा उनकी लगाई गई है, लोग वहां पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, और दरी बिछी हुई है और उस दरी पर सभी लोग बैठे हुए हैं। अखिलेश यादव, धर्मेंद्र हों, तेज प्रताप हों, रामगोपाल हों, शिवपाल हों, पूरा परिवार, और जो गांव के सैफई के बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो लोग भी वहां बैठे हुए हैं, और जो भी आ रहा है पुष्पांजलि अर्पित करते हुए 2-4-5-10 मिनट जितना बैठना चाहता है उन परिजनों के साथ, अखिलेश यादव के साथ बैठ कर उन्हें ढांढस बधा रहा है, और नेताजी की बातें और नेताजी की स्मृतियों को साझा कर रहा है, अपनी यादों को साझा कर रहा है, और जिस तरीके से नेताजी का कद था उससे जो एक शीशा लगा हुआ है जिससे मैं देख सकता हूँ कि इस वक्त क्या हो रहा है। नीतीश कुमार बैठे हुए हैं अखिलेश यादव के बगल में और बैठ कर बातें कर रहे हैं, जिस तरीके से कंधे पर उनका हाथ है और हाथ से कुछ समझाने बुझाने अपनी यादों को ताजा करने का जो प्रयास है नीतीश कुमार कर रहे हैं, मुझे लगता है मैं शीशे से देख रहा हूं और अपनी आंखों में देखा हाल दर्शकों को बता रहा हूं, क्योंकि वहां जाने की अनुमति मीडिया को नहीं है। क्योंकि क्या शिवपाल यादव भी वहां पर है वीरेश?
निश्चित रूप से शिवपाल यादव है, पूरा परिवार वहां बैठा हुआ है। शिवपाल है, रामगोपाल है, धर्मेंद्र है, तेज प्रताप है, अंशुल है, जो भी परिवार के लड़के हैं, चाहे नेता है, परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, परिवार के जो मुखिया हैं, वो सारे लोग वहां मौजूद हैं। नेताजी की श्रद्धांजलि सभा वहां चल रही है, पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए क्रमशः कोई छोटा कोई बड़ा नेता लगातार आ रहा है। ऐसे में परिवार का हर सदस्य वहां मौजूद है और आज नेताजी की अंतिम यात्रा जो कल निकली थी उसके बाद से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से भावुक होकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि आज का जो आज की सुबह है वो बिना सूरज के भी निकली है तो कैसी सुबह है, और इस तरीके से धर्मेंद्र यादव को रोते हुए लोगों ने देखा है। शिवपाल यादव को एबीपी गंगा के पास बातचीत करते हुए आंसू बहाते हुए लोगों ने देखा है। मुलायम सिंह का वो कद, मुलायम सिंह की वो करनी, मुलायम सिंह का वो कृत्य, मुलायम सिंह लोगों के साथ यादें हैं। यहाँ बैठ कर हम लोग जो पैतृक आवास में सैफई के और इर्द गिर्द के गाँव से आए हुए लोगों से जब बातें साझा कर रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि नेता कोई दूसरा नहीं होगा, नेताजी जैसा कोई नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे लोग कह रहे हैं कि देखिए, विधायक होना, सांसद होना, मंत्री होना, मुख्यमंत्री होना, केंद्रीय मंत्री होना, प्रधानमंत्री होना बहुत आसान है, लेकिन नेता होना बहुत ही मुश्किल होता है। लोगों का एक विद्वान व्यक्ति कह रहे थे कि आप बताइए, महात्मा गांधी कितनी बार सांसद बने, कितनी बार विधायक बने, कितनी बार MLA बने, MP बने, मंत्री बने, कितनी बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन महात्मा गांधी से बड़ा नेता कौन था? आप बताइए कि सुभाष चंद्र बोस कितनी बार मुख्यमंत्री बने और कितनी बार प्रधानमंत्री बने? आप बताइए कि बिरला कितनी बार चुनाव जीते? आप बताइए जयप्रकाश नारायण सब सांसद रहे, सब विधायक रहे, सब मंत्री रहे, लेकिन आप मंत्री, विधायक, आप सांसद, आप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक हो सकते हैं लेकिन नेता नहीं हो सकते हैं। और नेता जी नेता से आगे बढ़कर नेता जी हो गए थे, और ऐसे में जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव का जो वो कद है उस लिहाज से अगर हम देखें तो लोगों के आने का सिलसिला चल रहा है। अरविंद केजरीवाल को भी आना है ऐसा माना जा रहा है, तो ये खबर है अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो भी आज पहुंच सकते हैं। तो क्रम जारी है जो श्रद्धांजलि का, जो श्रद्धांजलि का क्रम परसों से चल रहा है, और मैं देख सकता हूँ उस जो चीजों को उसे बताने की कोशिश कर रहा हूं दर्शकों को कि नीतीश कुमार अभी भी बात कर रहे हैं अखिलेश यादव से, और उनकी बात रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव से भी हो रही है। कंधे पर हाथ रखे हुए हैं अखिलेश यादव के, और अखिलेश यादव काफी मायूस और आंखें दबदबाई हुई हैं उनकी, मैं जो शीशे से अंदर देख पा रहा हूँ, उसे व्यक्त कर रहा हूँ। दर्शक समझ सकते हैं कि आज गमगीन कैसा माहौल, कैसा वक्त होगा सैफई का, क्या रूप होगा, क्या रंग होगा पैतृक आवास का मुलायम सिंह यादव के, और इस लिहाज से जो चीजें मैं कमेंट्री के जरिए बता सकता हूँ, जो मैं आपको देखा हाल बयां कर रहा हूँ, वो ये है कि बहुत ही भाव, बहुत ही मायूस कर देने वाला क्षण है। उस क्षण में नीतीश कुमार अपनी जो सॉलिडेरिटी है वो व्यक्त कर रहे हैं, श्रद्धांजलि देने और अखिलेश यादव के साथ खड़ा होना। अखिलेश यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात विपक्ष के नेता के तौर पर हो चुकी है, एक मंच बनाया जा रहा है विपक्षी नेता के तौर पर, जो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 2024 में काम करेगा। उस मंच के लिए नीतीश कुमार ने अखिलेश यादव से मुलाकात 3 महीने की थी, वो घूम घूम कर उत्तर प्रदेश के नेताओं से मिल भी रहे हैं, लेकिन आज का जो मिलन है वो व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत इतिहास से है कि मुलायम सिंह यादव और नीतीश कुमार के बेहद पुराने संबंध रहे हैं, समाजवादी संबंध रहे हैं, एक सरकार। बिल्कुल बिल्कुल वीरेश जी, इन तस्वीरों के जरिए हम देख भी पा रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं, बेशक पहले कितनी भी मुलाकातें हुई हों, लोकसभा चुनाव एक बड़ा लक्ष्य है, लेकिन आज की जो मुलाकात है ये बहुत व्यक्तिगत और भावभीनी श्रद्धांजलि के तौर पर है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।